सीरियल गुमेंसी के प्यार में फाइनली ईशान लेटर पढ़ के लेगा भी चड़क में बहुत बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि चिन्मय ईशान को एहसास करवा देगा कि सभी किससे कितना प्यार करती है और आखिरी लेटर देकर उसके होश उड़ा देता है। वहीं पर ईशान जो उलझन में होता है कि सभी को उसे रोकना चाहिए या नहीं, लेकिन चिन्मय, सुरेखा, अश्मिता सभी लोग और खासकर अन्वी उसे समझाते नजर आएंगे कि भाई सभी को रोक लेना चाहिए, जिसके बाद ईशान को एहसास होता है कि सभी ही उसकी अब जिम्मेदारी है और वो ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी के तौर पर नहीं निभा रहा, कहीं ना कहीं अब सभी उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसकी जिंदगी की तरह एक तरह से वो उसकी लाइफ पार्टनर बन चुकी है हमेशा के लिए। वहीं पर ईशान को अपनी गलती का भी एहसास होता है कि वो सभी का साथ कैसे छोड़ सकता है और इसीलिए सभी को जाने तो बिल्कुल नहीं दे सकता, और इसीलिए बीच सड़क में सभी से ईशान माफी मांगते नजर आएगा और करेगा अपने प्यार का इजहार कि वही उसकी लाइफ पार्टनर है, उसकी जगह अब कोई नहीं ले सकता है। उसे पता है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, वो सब कुछ एक हादसा था सभी, जिसके बाद देखने मिलता है ईशान ये भी कह देता कि वो उसके बिना नहीं रह सकता और सभी को अपनी पत्नी के तो हक की अपने पति के हक की वजह से यहाँ पर अपना हक जताते हुए सभी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। और वहीं पर सभी लोग और खासकर रीवा वहाँ से गुजर रही होती है, कॉलेज के लिए निकल रही होती है और देखकर होश उड़ जाते हैं रीवा के कि ईशान सभी को घुटनों पर बैठकर उसे मनाते नजर आ रहा है और माफी मांग रहा है।